शादी एक लड़का और लड़की की ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में से एक माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि यह एक ही नहीं बल्कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है। शादी के लिए लड़कियों के कई सपने होते हैं, लेकिन कुछ खास सपनों में से एक सपना होता है शादी का जोड़ा, जिसे राजपूतों में पोशाक या बरी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी शादी के जोड़े के लिए हर लड़की के अपने कुछ अरमान होते हैं। अपनी शादी में हर दुल्हन दिखना चाहती है कुछ खास। शादी का यह जोड़ा आता है दुल्हन के ससुराल से। अगर हम बात करें कुछ साल पुरानी, तो दुल्हन यह जोड़ा अपने फेरों में बैठने से पहले ही देखा करती थी। बट आज के दौर की अगर हम बात करें, तो यह जोड़ा दुल्हन के द्वारा ही पसंद किया जाता है, या फिर यह कह सकते हैं कि ससुराल वाले दुल्हन को दिखाकर ही उसके शादी का जोड़ा पसंद करते हैं। तो जैसा कि हर दुल्हन चाहती है उसकी हर चीज़ हो शादी में एक्सक्लूसिव, और वह दिखे इन चीज़ों में सबसे डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल। खमागनी, वेलकम टू कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ। आज हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि शादी की पोशाक को ऑर्डर करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप क्या और एक्सक्लूसिव चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं अपनी शादी की पोशाक के साथ। अगर आप और भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। मोस्टली वेडिंग ड्रेस रेड कलर में ही पसंद की जाती है, बट कुछ स्टेट्स में रेड कलर नहीं पहना जाता, वहाँ पर ग्रीन, येलो या ऑरेंज के शेड्स पहने जाते हैं। वैसे तो सभी का सारा फोकस होता है दुल्हन की पोशाक पर, बट हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वेडिंग शूज़ भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, तो दुल्हन की पोशाक के साथ आया करते थे बिनौटे, जो काफ़ी हल्की वैरायटी में बने होते थे, और उन पर होता था वेलवेट और गोटे का काम। और ट्रेडिशंस के हिसाब से बिनौटों को रखा नहीं जाता था, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पहनकर जल्द से जल्द तोड़ दिया जाता था। बट अगर हम बात करें आज की, तो हर दुल्हन चाहती है अपने लिए कुछ एक्सक्लूसिव मोशरीज, जिन्हें वह जब भी पोशाक पहने उनके साथ पहन सके। तो आप करवा सकते हैं अपनी मोशरीज पर सेम काम जो आपने काम करवाया है अपनी पोशाक पर, बट आपको यह ऑर्डर देना होगा पोशाक के ऑर्डर के साथ में ही। अगर आपने हमारे वेडिंग रिचुअल वीडियोस देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि दुल्हन को काफ़ी सारी रस्मों में मिलते हैं नेक। उन्हें संभाल कर रखने के लिए दुल्हन को चाहिए होगा एक ब्यूटीफुल सा बैग। पोशाक के साथ ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं पोटली बैग्स। पोटली बैग सुंदर दिखने के साथ साथ देते हैं एक रॉयल लुक। तो यह पोटली बैग भी आप मैच करवा सकते हैं अपनी पोशाक के साथ। मैंने अपनी वेडिंग ड्रेस के साथ बनवाया था सेम कलर और वर्क का पोटली बैग। आप चाहें तो इसे कंट्रास्ट कलर में भी बनवा सकते हैं। कट जोड़ा, यह भी आता है दुल्हन की बरी के साथ, और इसे यूज़ किया जाता है फेरों के वक्त, और इसी से बांधा जाता है दूल्हा और दुल्हन को एक बंधन में। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी शादी का। वैसे तो आपको कट जोड़ा मार्केट में काफ़ी वैरायटी में मिल जाएगा, बट इसे अपनी पोशाक से मैचिंग कराने के लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत सारी सर्च। तो आप इसे भी मैच करवा सकते हैं अपनी वेडिंग पोशाक के साथ, ताकि यह और ना दिखे फेरों के वक्त। तो यह तीनों चीज़ें आप बनवा सकते हैं अपनी वेडिंग पोशाक के साथ, और दे सकते हैं खुद को एक रॉयल लुक। तो यह तो हुई वेडिंग पोशाक की बात। आप अपनी और भी हैवी पोशाक्स के साथ पोटली बैग्स और मोजरीज बनवा सकते हैं। होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके भी घर में चल रही है वेडिंग की तैयारियाँ, तो आप देख सकते हैं हमारा यह चैनल, जो आपको देगा काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस राजपूती वेडिंग रिचुअल्स के बारे में। Thank you.
राजपूत की वेडिंग से रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फ्राइडे को एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खामा गनी।